रा मेहमान हैप्पी अष्टमी। इस पूजा थोड़ा डिफरेंट आ रहा है मेरा लिए, लाइक सभी लोग घूम रहे हैं और मैं घर पे हूँ। एक ही दिन वेट जस्ट निकला था मम्मी पापा के साथ, फिर क्या हुआ कि तबीयत खराब नहीं था ना, होल नाइट घूम लिया, तबीयत थोड़ा खराब हो गया तो घर पे ही। आज तो महाअष्टमी है तो आज अंजलि है, तो चलिए निकलते हैं और थोड़ा अंजलि दे के आते हैं। फिर घर पे भी पूजा है, बहुत कुछ है और ये है आज का मेरा लुक, थोड़ा ट्रेडिशनल सा। बहुत दिनों के बाद मैं ट्रेडिशनल रेडी हुई हूँ एक्चुअली, तो ज़्यादातर तो मैं जींस टॉप भी रहती हूँ। चलो आज देखते हैं क्या करेंगे, पहले तो पैनल में जाते हैं और पूजा करते हैं फिर आते हैं। तो फाइनली लेट से सही बट पूरा हो गया और छोटा सा पैनल है ये, हमारे घर के सामने ही होता है, बहुत ही अच्छा है दुर्गा माता का मूर्ति। तो मैं फाइनली पूजा दे के आ गया, देखो टीका वीका लगा के आ गया। तो ये जो कुट्टी है ना, ये बताना कैसा है, और ये देखो मैं टूटा फूटा अलमीरा पे वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मेरे घर पे दोनों जो बड़ा सा अलमीरा है दोनों ही टूट गया है मेरे पापा के वजह से। वो इतना सफाई करा वो गिर के ही टूट गया दोनों ही एक साथ। और ये देखो मेरा कोकू जी, मेरा पूरा काम पूजा सब कुछ कंप्लीट हो गया और ये पूजा का टाइम में और भी स्पेशल हो जाता है सब कुछ। तो फिर थोड़ा घूमने आ गया था, तो ये वीडियो का क्वालिटी और थोड़ा बहुत ज़्यादा ही शेक हुआ है, जिसके लिए मैं पहले ही बहुत 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 माफ़ी चाहती हूँ। क्योंकि क्या है ना, ये वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा पापा कर रहा था, क्योंकि मैं एक इतना लॉन्ग ड्रेस पहन लिया था क्योंकि मेरा कोई प्लान नहीं था घूमने जाने का, बट मतलब हमने सोचा कि चलो थोड़ा घूम के आते हैं। तो एक्चुअली मेरा प्लान था लॉन्ग ड्राइव पे, बट उसके पहले दो तीन जो पैंडल हॉप कर लिया और अब भीड़ देख सकते इधर का, इतना गैदरिंग है। और मैं बहुत ज़्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक हूँ, बट फिर भी मैं कुछ भी करके मैनेज करके पूजा का टाइम में बंगाली लोगों को कुछ भी रोक नहीं सकता पैंडल हॉपिंग से। बट एक्चुअली हम लोगों का क्या हो गया, वो पास होता है बट ये पास लेके भी कोई फायदा नहीं है, मतलब आपको तो अलग से घुसाएगा बट अंदर जाके सभी एक साथ हो जाता है, बहुत ही भीड़ हो जाता है, तो उसका कोई मतलब नहीं है मेरे ख्याल से। तो ये दो तीन जो पंडाल हॉप किया मेरे भाई के वजह से, बहुत जिद कर रहा था, तो ये करने से मेरे पापा बहुत ही अच्छा करने रहा है मैंने दो, बट स्टिल मजाक से हटके उसने करा, ये ही बहुत है मेरे लिए। मैं वीडियो नहीं कर पा रहा, इतना मार पीट धक्का धुक्की हो रहा था ना उधर, देखो आप देख सकते हो मेरे वीडियो पे हाथ घुसा रहे के वीडियो के अंदर, अरे भाई देख नहीं सकते मैं वीडियो कर रही हूँ, अरे अजीब लोग है भाई। बट पंडाल बहुत ही अच्छा था, ये सब शायद सब बिहाला साइड का पूजा है, तो हाँ उस दिन ये सब, और मेरा मम्मी तो बहुत इंजॉय किया, सबसे ज्यादा पंडाल हॉपिंग तो मेरा मम्मी और भाई ने किया, और हम दोनों भाई बहन तो सिर्फ लॉन्ग ड्रेस पे गया, खाना खाया, यही करते रहे, थोड़ा क्लबिंग किया, थोड़ा डांस वांस किया, ऐसे ही हमारा पूजा खत्म हो जाता है। हर साल हम लोग प्लान करते हैं आज हम लोग घूमेंगे, बट इस साल थोड़ा कम घूमे, मतलब मैं हमेशा रोज एक्चुअली सुबह से रात तक घूमती हूँ, बट इस साल बहुत ही कम घूम रही। मेरा मम्मी कह रही कि तू जा भाई घर से निकल अब। और ये बहुत स्पेशल पंडाल था, मतलब मेरा मम्मी भाई सभी बहुत एक्साइटेड था ये पंडाल देखने के, कि बंगाल का जो फेमस फुचका है वो फुचका से पैंडल हो गया, फुचका और जो शाल पटा रहता है ना, तो एक कुछ लीव होता है जिसको ड्राई करके फुचका जब खाते हम लोग उसमें देते हैं फुचका, तो उसको शाल पट्टा कहते हैं, तो उससे ये दोनों चीज से बनाया हुआ है, इसलिए सभी लोग इनको देख सकते हो, तो दिखा रहे थे सभी लोग, बहुत एक्साइटेड था ये देखने के लिए, बट उतना भी कुछ खास नहीं था। तो मम्मी पापा भाई को छोड़ के हम दोनों भैया
और बहन भाई बहन निकल पड़े गाड़ी लेके लॉन्ग ड्राइव के लिए। बहुत दूर तक गए हम दोनों नहीं, एक्चुअली चारों थे। तो उस दोनों मतलब भैया का एक दोस्त था मेरा और एक भैया था, लाइक तीन भैया और मैं था एक्चुअली। तो हम चारों निकल पड़े थे गाड़ी लेके और मेरे भैया के मैं साउंड नहीं दे पा रही थी, इतना शोर था। तो फाइनली हम लोग शेर पंजाब आ गया था और आके इतना भीड़ देखा, ऑलमोस्ट 150 जन के बाद हम लोग का लाइन आया। तो इधर थोड़ा बूजिंग चल रहा है, थोड़ा बूजिंग तो चलता। और ये जो चटनी है ना, ये बहुत स्पेशल सा चटनी है, पूरा स्पाइसी सा, मतलब चिली का पेस्ट जो होता है ना वो दे देता है। तो मजा ही कुछ आ गया था। चिकन टिक्का रोटी बहुत कुछ खाया, पेट भर के खाया। तो खाना के बाद फिर हम लोग घर के लिए निकल गए, आज कुछ नहीं। और बीच में मैं एक कांड भी होता वो बाद में बताऊंगी। तो आज के लिए इतना ही।